How are you all? I really hope that all of you are doing well. After ages, I am creating a video that's actually related to CLAT. A lot of requests have been coming in recently. I have been reading a lot of mails and Insta DMs jahan pe log pooch rahe hain ki Dee, we could not get a desirable rank in CLAT 2022 and we don't have any good college in hand, so we are taking a drop. Please let us know how should we prepare for CLAT 2023. Now the good thing about CLAT 2023 is aapko pura ek saal ka drop nahi lena padega. So that is something which is good, because aap December mein exam de rahe ho 2023 ka. Don't mind if I look all sweaty and pathetic to you, because maine apna fan ekdum slow kara hua hai, nahi to awaaz aayegi video mein. Aur mere room mein AC nahi hai aur yahan pe bahut garmi hai, so I'm really sorry. Anyway, getting into the topic, so the good thing about CLAT 2023 is aapko pura ek saal ka gap year nahi lena padega. You'll be giving your paper in December 2023, so that is a good thing. Although preparation टाइम कब मिल रहा है, या दैट इज ट्रू, बट देन वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम. आई थिंक आपके पास कुछ 4 महीने हैं टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2023, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन यूटिलाइज दीज 4 months वेरी फ्रूटफुली एंड गेट अ गुड रैंक इवेंचुअली इन द डिसम्बर अटैम्प्ट, इन योर डिसम्बर अटैम्प्ट ऑफ क्लैट 2023. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग. सबसे पहली चीज़ ये है कि मेक अ प्लान एंड स्टिक टू दैट प्लान. दो तरीके की प्लानिंग होती है, एक होती है मैक्रो प्लानिंग, एक होती है माइक्रो प्लानिंग. मैक्रो प्लानिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने पूरा आज, जैसे कि 31st, मतलब आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना पोस्ट दिस वीडियो, बट जब मैं शूट कर रही हूँ इट इज़ 31st of July. लेट्स से टुडे यू प्लान फॉर द इंटायर मंथ ऑफ ऑगस्ट कि मुझे पूरे ऑगस्ट में इंग्लिश का इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, करंट अफेयर्स इतने निपटाने हैं, क्यूटी इतना कवर करना है, वट एवर. दैट इज़ द माइक्रो प्लान दैट यू वुड बी मेकिंग. उसके बाद डिवाइडेड इंटू पार्ट्स, डिवाइडेड इंटू वीक्स और डेज रादर. पूरा ऑगस्ट मंथ का आपने प्लान एक बना लिया, ओके, एक मैक्रो प्लानिंग आपने कर ली. फिर एवरी वीक आपको क्या क्या करना है टू कंप्लीट सक्सेसफुली जो भी टारगेट आपने अपने आप के लिए सेट किया है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, एवरी वीक अपने आप के लिए कुछ टास्क असाइन कीजिए. उसके बाद हर वीक के टास्क को भी आप एवरी डे टास्क में डिवाइड कीजिए. सो फ्रॉम मैक्रो प्लानिंग यू कम टू माइक्रो प्लानिंग, एंड वट एवर प्लान यू मेक फॉर योर सेल्फ जस्ट स्टिक टू इट. बिकॉज क्या होता है कि हम जब एक महीने का सोच रहे थे कि इस महीने में ये ख़त्म करना है, देन वी यू नो, बिकॉज हर रोज़ हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहे होते, वी ऑफन प्रोक्रेस्टिनेट. और फिर जब एंड आता है ना मंथ का, या फिर वट एवर टारगेट यू सेटिंग फॉर योर सेल्फ, जब आखिरी का टाइम आता है तब पैनिक बढ़ती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कुछ होगा नहीं. देन कम्स द डीमोटिवेशन, देन कम्स दिस थिंग कि यार ड्रॉप लेके भी अगर नहीं हुआ तो क्या. सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट क्रैप, बिलीव इन मेकिंग अ माइक्रो प्लान एंड अ मैक्रो प्लान एंड देन स्टिक टू इट. राइट योर मॉक्स ऑन शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाओ अपने लिए. आई थिंक द बेस्ट वे वुड बी राइटिंग अ मॉक एवरी वीकेंड. नाउ गाइज, जस्ट राइटिंग अ मॉक इज़ नॉट इनफ. इट डजेंट मैटर कि आप 40 मॉक्स लिख के जा रहे हो क्लैट का पेपर देने, लेकिन आपने एनालाइज उसमें से एक भी मॉक को नहीं किया. ऑन द अदर हैंड, इवन इफ यू अपेयर फॉर 20 मॉक्स, बट इन ऑल द 20 मॉक्स यू हैव एनालाइज योर मिस्टेक्स रिपीटेडली एंड यू हैव वर्कड ऑन देम, यू हैव ट्राइड टू रेक्टिफाई वेर योर मार्क्स आर गोइंग, क्यों आपका नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है, क्यों आपको इस सेक्शन में ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, क्यों आपको इतना टाइम लग रहा है क्यूटी सॉल्व करने के लिए. इफ़ यू डोंट एनालाइज दिस, Giving mock test is an absolute waste of those 2 hours of your day, or 1.5 hour, whatever time you're getting, I have forgotten. Make sure you're not only writing mocks but also analyzing them in a schedule. The best way would be every Sunday appear for a mock. Subha mock de diya, shaam ko take out 1 hour or a 2 to analyze it. Yeah, pareshan hone wali baat nahi ki ek ghanta mock analyze karna hai, karna hai. ज़रूरी है, करना पड़ेगा अगर अच्छी रैंक चाहिए तो. ट्राई टू ऑलवेज बी अ लिटिल इंक्विजिटिव इन योर प्रिपरेशन. आप न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ते ही होगे इन योर क्लैट प्रिपरेशन, अगर नहीं पढ़ते तो दैट्स अ बिग मिस्टेक, यू शुड बी रीडिंग, राइट? तो एवरी डे इन न्यूज़पेपर यू आर कमिंग अक्रॉस न्यू फैक्ट्स, न्यू डेटा, न्यू थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू. अच्छा, सिर्फ उसको पढ़ के उसके नोट्स बना के रखना नहीं है,
आप अगर अपनी प्रिपरेशन को सच में एक लेवल ऊपर लेना चाहते हो, जो कि मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में शायद ऐसा नहीं किया, अगर मैं करती तो शायद मेरा रिजल्ट कुछ और अच्छा होता, बट एनीवे वी आर नॉट गोना गेट इनटू दैट। अगर आप ये करोगे तो आपकी पक्का इससे हेल्प होगी, आई एम टेलिंग यू। बी अ लिटिल इनक्विजिटिव इन योर प्रिपरेशन, यू नो, लेट्स से आप पेपर पढ़ते हो रोज, राइट? मोस्ट रीसेंट टॉपिक नाउ इज लाइक द प्रेसिडेंट इलेक्शन, न्यूज़ आती जा रही है, यू नो, शी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट। तो बस उस न्यूज़ को पढ़ के, दैट द प्रेसिडेंट टुक द ओथ टुडे, उतना पढ़ के उसका नोट बना के मत रख दो। नो, ट्राई टू गूगल अबाउट हाउ इज़ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लाइक इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, एनीथिंग अराउंड इट। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। सो दैट उस एक न्यूज़ से यू विल बी एनहेंसिंग योर नॉलेज अ लॉट। और अगर और कोई आप अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, या फिर क्लैट में ही कुछ क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी स्टैटिक भी पूछ लेते हैं यार, यू कैन नेवर बी श्योर कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही आएगा। सो दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स, दैट इज़ वट आई फील। सो आई थिंक दिस पॉइंट यू विल नॉट हियर फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बट यू हैव टू बी लिटिल इनक्विजिटिव एंड लिटिल ईगर टू नो अबाउट थिंग्स, क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। सो दिस वॉज समथिंग दैट आई नाउ वेन आई लुक बैक आई फील वॉज मिसिंग इन मी। सो यू गाइज डोंट मेक दैट मिस्टेक। Make the best use of the internet for the next 4 months. We have been using the internet for a lot of things, productive and unproductive. Now, since internet is a gift to you in your studies, in your preparation, even if you're not taking coaching, guys, a lot of free material is actually available on YouTube itself. Bahut se CLAT coaching centers apne classes lagate hain, aapko different tarike ki strategies batate hain. There are so many free and paid mock tests available on the internet. Telegram mein kitne sare groups hain where they keep posting things related to CLAT and, you know, related to current affairs and stuff. You can be reading articles and editorials from different law journals, or what do you call them? Yeah, websites related to law, just to expand your knowledge, okay? So make very good use of the internet. Har चीज़ ये सोच के करो कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रहना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ रेगुलर रिविजन, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो आई नो मोस्ट ऑफ यू आर गोना मेक दिस मिस्टेक कि हाँ, बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है के चक्कर में यू विल स्टॉप रिवाइजिंग। ऑब्वियसली वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी के नॉट जस्ट मेमोराइज एवरीथिंग दैट वी हैव जस्ट रेड फॉर वंस, राइट? सो जैसे कि मॉक टेस्ट आप एक शेड्यूल में लिख रहे हो, वैसे रिवीजन का भी एक शेड्यूल बनाओ। लेट्स से आप एवरी संडे मॉक टेस्ट दे रहे हो और एनालाइज कर रहे हो, तो एवरी सैटरडे रखो कि सैटरडे आई एम नॉट गोना रीड एनीथिंग न्यू, आई एम नॉट गोना स्टडी एनीथिंग न्यू, आई एम जस्ट गोना रिवाइज वट एवर आई हैव बीन स्टडिंग थ्रू आउट। अदरवाइज यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन वे ऑफ रिवाइजिंग। एवरीबडी हैज़ द लाइक यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ द बेस्ट, सो यू हैव अ डिफरेंट पैटर्न यू मस्ट बी हैविंग, एवरीबडी ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग दिस राइट नाउ। सो जस्ट थिंक कि आप कैसे रिवाइज करने से यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स मोर लाइक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड लास्टली दिस इज़ आई मीन दिस इज़ नॉट रियली अ टिप, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर आप एकदम ही स्क्रैच से शुरू कर रहे हो फॉर क्लैट 2023, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अगर आप मेरे से पूछो कि मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, सो यूजुअली पीपल विल टेल कि आपका जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है, आप उसको मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम आप उस सब्जेक्ट को डिवोट करो। बट आई वुड नॉट रियली से दैट हियर, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आप उतना टाइम देके अभी इतने कम टाइम में अपने वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना पाओगे या फिर उसको कितना इम्प्रूव कर पाओगे। वर्क ऑन योर वीक एरियाज, दैट इज़ फॉर श्योर, लाइक दैट इज़ समथिंग यू मस्ट बी डूइंग फॉर श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से गिव मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम टू लीगल एप्टीट्यूड। वाई? बिकॉज क्लैट में ना यार 0.2525 के रैंक के मार्क्स से आपका रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और वेन यू लेट्स से 76, ठीक है, 76 इज़ अ स्कोर, 76 में आपको पता नहीं कुछ 100 बच्चे आ जाएंगे, 100 बच्चे होंगे जिसने 76 मार्क्स रखा होगा। अब कैसे डिसाइड होता है कि किसका रैंक पहले आएगा किसका नीचे? दे इवेल्युएट योर लीगल एप्टीट्यूड का मार्क। लेट्स से मैंने भी 76 रखा है क्लैट में, आपने भी रखा है। नाउ हाउ विल दे डिसाइड कि किसको ऊपर का रैंक मिलना है और किसको नीचे का रैंक मिलना है? बिकॉज दोनों के मार्क्स तो सेम आए हैं। सो इफ़ आई हैव स्कोर्ड मोर देन यू इन लीगल एप्टीट्यूड, देन आई विल बी गेटिंग द हायर रैंक। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक, तो नहीं बोलूँगी हाँ, बट या वेरी गुड वे ऑफ एक्चुअली ट्राइंग टू एलिवेट योर रैंक, बिकॉज क्लैट में इट्स ऑल अबाउट रैंक, है ना? योर रैंक विल डिसाइड योर लाइक विच कॉलेज यू गेट इन टू। सो टू गेट अ गुड रैंक, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़।
लीगल एप्टीट्यूड के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा. तो आई थिंक दैट वॉज इट अबाउट दिस वीडियो. और ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाऊँगी बिकॉज़ सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का. एंड अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको वो लोग भी बहुत सी चीज़ें बताएंगे. मेरी नॉलेज से और मैं जितना थोड़ा सोच पाई उससे मैं यही कुछ पॉइंट्स आपको आज बता रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे मेल कर सकते हो. मैं मेल आईडी हमेशा डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ हम बात कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे यार मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम में मैसेजेस चेक नहीं करते, रिप्लाई नहीं देते इस चीज़ का उस चीज़ का. तो इंस्टाग्राम डीएम्स में उतना ऑफन चेक नहीं करती, लेकिन जब भी मैं करती हूँ मैं आई मेक श्योर कि मैं जितने भी मेरे पास रिक्वेस्ट है मैं सबको रिप्लाई दे दूँ. हाँ, और एक बात मुझे करनी थी. यू नो आई थिंक मैंने रीसेंट टाइम में कुछ एक दो कमेंट्स ऐसे पढ़े जहाँ पे मतलब किसी ने मुझसे कुछ पूछा है और उसका मैंने कुछ रिप्लाई दिया है. नाउ गाइज, दोज ऑफ यू हु वर हियर ओनली फॉर द प्रेपरेशन थिंग, यू माइट लीव. अभी मैं सिर्फ उन लोगों से बात करना चाहती हूँ हु एक्चुअली नो मी ऑन अ पर्सनल लेवल एंड हैव बीन वॉचिंग मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. हाँ, तो उनसे मैं ये कहना चाहती थी कि रिसेंटली मैंने एक दो कमेंट्स में ऐसे पढ़ा, सपोज़ लोगों ने मुझसे कुछ पूछा है और मैंने उसका जवाब दिया, उसके बाद वो लोग मुझे ऐसा लिख रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी रूड, यू नो यू कुड हैव एक्सप्लेन दिस इन अ बेटर वे. और ऐसा कुछ मतलब शायद उन्हें ऐसा लगा है कि मैंने बहुत ही रूड तरीके से या फिर गुस्से में उनको रिप्लाई दिया है. आई डोंट नो, आई मीन शायद ऐसा इसलिए हो रहा है. सी द थिंग इज़ गाइज, आई एम ऑल्सो लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग लाइक यू, राइट? इन द वीडियोज़ आई माइट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड एनर्जेटिक और या, बट आई ऑल्सो हैव लो डेज. आई ऑल्सो फील एंग्री फॉर नो रीज़न. आई ऑल्सो हैव मूड स्विंग्स. आई एम अ ह्यूमन बींग, राइट? तो कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि मेरा मूड अच्छा नहीं है या फिर मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं कुछ है. उस टाइम पे मैंने किसी कमेंट का अगर रिप्लाई दे दिया है और अगर वो मेरे अंदर की चिड़चिड़ और वो सब भी आ गया है उस कमेंट में, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. तो मैं अब से ये कोशिश करूँगी कि जब मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं एक सड़ियल मूड में बैठी हुई हूँ, गुस्सा हूँ, अपसेट हूँ, तबीयत ख़राब है, जो भी है, तो उस टाइम पे मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया करूँगी. बिकॉज देर इज़ नो, आई वुड नेवर वांट कि मेरी नेगेटिविटी आप तक चली जाए. तो अगर ऐसा किसी को भी फील हुआ, आई एम रियली सॉरी. आई विल रियली ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने वो कमेंट पढ़ा, बिकॉज मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता है कभी भी किसी को भी हर्ट करने का. सो या, आई जस्ट यूज़ दिस वीडियो टू से सॉरी टू यू. सो दैट वॉज इट. इफ़ यू न्यू टू माई चैनल देन अभी तक नहीं देख रहे होगे शायद, बट या इफ़ यू हैवंट येट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. एंड Tell me more, what can I create? Not related to CLAT, because honestly मैं ज़्यादा कुछ create नहीं कर पाऊँगी because मेरे दिमाग में कुछ है नहीं CLAT को लेके. क्योंकि वो preparation यार एक साल से ज़्यादा हो गया, वो छोड़ दी, तो मैं उस बारे में उतना research कर नहीं रही हूँ ना, तो उस पर ज़्यादा ideas मेरे पास है नहीं कि मैं क्या बना पाऊँगी. बट हाँ, लॉ स्कूल से रिलेटेड या फिर व्लॉग्स अगर आप चाहते हो या फिर वट एवर न्यू काइंड ऑफ, मैं आजकल रील्स ज़्यादा डालने लग गई हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि वीडियोस से ज़्यादा लोग आजकल रील्स को अटेंशन दे रहे हैं, तो शायद वहाँ पे लोग मेरे वीडियोस देखें, तो ये सोच के मैं डाल रही हूँ. एनीवे, दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड टॉक टू मी इन द कमेंट्स. आई लव चैटिंग विद यू एंड आई विल बी रिप्लाइंग वेरी स्वीटली दिस टाइम. बाय.